बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में हमने मॉडेम को डिस्कस करना है, जो आपका नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के कम्युनिकेशन चैनल्स या कम्युनिकेशन मीडिया की हमने फर्दर दो टाइप देखी थी, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, और फर्दर उनके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। आज हमारा मेनली टॉपिक है मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है दैट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज डिजिटल फॉर्म, और जब ओवर द नेटवर्क वही डाटा ट्रैवल करना होता है तो नेटवर्क केबलिंग में या जो वाइड या वायरलेस टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ हो रही है उसको जो लैंग्वेज समझ आती है वो कौन सी है, या जिस फॉर्म में वो सिग्नल अंडरस्टैंड करती है वो कौन सी है, जी एनालॉग फॉर्म है, ठीक है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स डाटा ट्रैवल करता है। और यहाँ पर जो डाटा है वो क्या है, जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जब हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम से सिग्नल्स ओवर द नेटवर्क आते हैं तो इन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट होने की ज़रूरत होती है इनटू एनालॉग सिग्नल्स। तो इस प्रोसेस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडेम क्या करता है, इस एंड पे यानी कि सेंडिंग एंड से क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो मॉडेम क्या करता है जी, मॉडेम आपका डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है फ्रॉम सेंडिंग एंड, और रिसीविंग एंड पे ऑब्वियस सी बात है जब ये एनालॉग सिग्नल्स दोबारा रिसीविंग एंड पे पहुंचते हैं तो इन एनालॉग सिग्नल्स को अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी मॉडेम यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि रिसीविंग एंड पे जब आपका सिस्टम पहुंच रहा है तो उसको अगेन जो चीज़ समझ आ रही है वो कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आ रही है, और सिग्नल्स किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में। तो यहाँ पे भी आने से पहले तो सिग्नल्स क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे भी आपका मॉडेम क्या करता है, इन एनालॉग सिग्नल्स को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉडेम का मॉड्यूलेशन वाला पार्ट होता है जब हम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग इज मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल इज डीमॉड्यूलेशन, ठीक हो गया। और इस तरह आपका डेटा ट्रेवल भी कर सकता है और रिसीविंग एंड पे पहुंच के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाता है, और रिसीविंग एंड पे भी कंप्यूटर को चीज़ें एनालाइज कर पाता है। लेट मी क्लियर द ड्राइंग या एंड स्टॉप एनोटेट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोगों के, जब हम मॉडेम की बात करते हैं तो मॉडेम में हमारे पास क्या होता है जी, हम किस बेसिस पे कैस करते हैं कि हमारे पास मॉडेम एक अच्छा मॉडेम है, क्वालिटी मॉडेम है, और तो उसका ट्रांसमिशन रेट और उसकी स्पीड की बेसिस पे, ट्रांसमिशन रेट कि वो कितना कितने नंबर ऑफ बिट्स को पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वो उसकी उसकी कितनी क्वालिटी अच्छी है उस मॉडेम की, कितना हाई क्वालिटी मॉडेम है, उस चीज़ को डिफाइन कर रही होती है। तो क्या है कि ट्रांसमिशन रेट क्या है कि आपकी स्पीड, ट्रांसमिशन रेट डिफाइन कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स एक आपकी मॉडेम जो है एक पर सेकंड में सेंड कर रहा है। उसके बाद है आपका स्पीड। स्पीड में क्या है जी बेटा, सॉरी, स्पीड में आपके पास क्या है जी, स्पीड आप के पास है कि आपको ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास करने को मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं, ये तो हमें पता है, और इसके लिए हमारे पास वेरियस मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं और इस जो स्पीड ऑफ मॉड्यूलेशन होती है या स्पीड ऑफ सेंडिंग डाटा, किस स्पीड से डाटा सेंड हो रहा था वो उस मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड्स से पता लग रही होती है। जैसे कि आपकी बुक में डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपके पास 2400 bps का कोई मॉडेम है जो कि डाटा कंप्रेस कर रहा है, थियोरेटिकली उसकी थ्रोपुट क्या है, 9600 bps है, ठीक है, वो इतनी ट्रांसमिशन स्पीड रेट पे डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोई हाई एंडेड मॉडल नहीं है, जो आपके हाई एंडेड मॉडल है उनकी क्या है, उनकी स्पीड ही 9600 bps या इससे अबव होती है, नॉट 24 bps मॉडल, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप किसी भी मॉडल की कैपेसिटी को किस बेसिस पे जज कर सकते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी या कितनी उसकी क्वालिटी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है टाइप्स ऑफ मॉडल। जब हम टाइप्स ऑफ मॉडल की बात करते हैं तो बेटा टाइप्स ऑफ मॉडल हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मॉडल आ जाती है, एक होती है एक्सटर्नल मॉडल, एक होते हैं इंटरनल मॉडल,
मॉडेम, और तीसरे होते हैं आपके वायरलेस मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम वो मॉडेम होते हैं जो आपके सिस्टम सिस्टम के साथ एक्सटर्नली अटैच किए जाते हैं बाई यूजिंग द टेलीफोन केबल्स। ठीक है, आपके घरों में पहले जो टेलीफोन जो आपके इंटरनेट कनेक्शन होते थे वो टेलीफोन के एक टेलीफोन के अंदर आपका कनेक्शन जा रहा होता था, दूसरा आपका मॉडेम एक मॉडेम के साथ कनेक्ट है, और आपके सिस्टम के अंदर से वो मॉडेम के साथ चार पांच प्लग इन हो सकता है, यानी कि पांच से छह डिवाइसेस एट द सेम टाइम उस इंटरनेट को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम दैट इज एक्सटर्नली अटैच विद योर सिस्टम यूनिट यूजिंग द टेलीफोन केबल, और वो उसके अंदर जो पोर्ट्स यूज़ की जाती हैं COM1 और COM2 पोर्ट्स को यूज़ किया जाता है उसमें। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का इंटरनल कार्ड। इंटरनल मॉडेम में हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरनल मॉडेम आपका ये सर्किट बोर्ड यानी आपके मदर बोर्ड पर प्लेस जाता है यूजिंग द एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, आपकी जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं आपकी मदरबोर्ड पे वहाँ पे इन्हें प्लेस किया जाता है इंटरनल कार्ड। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसको अब एक्सटर्नल मॉडेम का तो मूव करना आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, इसको मूव किया नहीं जा सकता, और ये आपके सिस्टम के सिस्टम यूनिट के अंदर यानी कि आपकी मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस किया जाता है। देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन ऑफ दिस रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ मॉडेम। उसके बाद आ जाते हैं वायरलेस मॉडेम की तरफ। वायरलेस मॉडेम के में क्या है जी, वायरलेस मॉडेम को यानी कि इसको सिग्नल ट्रैवल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी किस्म की वाइड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल आपके घर में जितने भी वाईफाई राउटर जो हो रहे हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपकी मॉडेम की, आपके वायरलेस मॉडेम्स की, जिसमें क्या है आपकी सिर्फ डायरेक्टली आपकी क्या आ रही है वेव्स, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो आपके स्पेसिफिक पॉइंट तक आ रहा है, और वहाँ से आपका जो है आपको सिग्नल्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ वाईफाई मिल रहे हैं, यानी कि देर इज़ नो नीड ऑफ एनी केबलिंग कनेक्शन। तो ये था आप लोगों का वायरलेस वायरलेस मॉडेम। ठीक है, और तीनों मॉडेम को आपको विद पिक्चर बताया भी गया कि एक्सटर्नल मॉडेम कैसे होता है, इंटरनल मॉडेम कार्ड कहाँ पे प्लेस किया जाता है, और वो उसके स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों का वायरलेस मॉडेम जिसके ऊपर एंटीनाज होते हैं जो क्या करते हैं सिग्नल्स थ्रो करते हैं, और इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिस रेंज तक वो क्या होता है वायरलेस कनेक्शन क्रिएट करता है। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया है, और चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। एंड इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी काइंड of theory you can ask me directly, I will answer all your questions. Jazakallah, Allah Hafiz.